कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के समर्थन में शनिवार को शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखा। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने और खत्म करने के लिए सरकार द्वारा रची जा रही साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए शनिवार को शिमला के रिज मैदान पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा के समक्ष बैठकर मौन व्रत रखा। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में पूरे देश में मौन व्रत रखा गया है। कांग्रेस सेवा दल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की घटना को किसानों ने नहीं बल्कि सरकार द्वारा साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। हमारी मांग ये है कि जो किसानों के विरुद्ध जो ये बिल 3 बिल लाए उनको वापस लिया जाए। हम किसानों का पूरा इसमें समर्थन करते हैं और जहां तक अभी ये जो 26 जनवरी की जो घटना घटी है इसमें जो है पूरी तरह से केंद्र शासित जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि उन्हें मालूम था तो किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो वो किस तरह से वहाँ पर पहुँचे, जबकि इतना अमली जामा उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था। उसके बावजूद जो है वहाँ पर उनका जो रूट बदला गया और उस रूट बदलने के कारण जो है लोग वहाँ पर पहुँचे तो वो किसान जो थे किसान के रूप में कोई और लोग होंगे, किसान लोग ऐसा कार्य नहीं कर सकते। इसमें पूरी तरह से केंद्र जो है पिछले 60-62 दिनों से जो है किसान जो है धरने पर बैठे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मान रहे हैं, तो इसमें जो है पूरी तरह जो केंद्र सरकार है वो चाहती है किसानों का आंदोलन जो है किसी तरह से फेल और वो बदनाम हो। इस मौके पर यंग ब्रिगेड कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बांस्टू ने बताया कि जबरदस्ती 3 किसान बिलों को किसानों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आज इन बिलों के विरोध में सड़कों पर है। वीरेंद्र बांस्टू ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि इन बिलों को वापस लिया जाए। यदि किसानों की मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में कांग्रेस सेवा दल व कांग्रेस द्वारा आमरण अनशन का रास्ता अपनाया जाएगा। पिछले 2.5 महीने से किसान जमीन पे है, रोडों पे है, अपने खेत खलिहान छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, तो मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बिल वापस लिया जाए, अन्यथा हम भी पुरजोर जो कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस पार्टी पुरजोर पहले भी किसानों का समर्थन करती आ रही है तो आगे भी पुरजोर किसानों का समर्थन करेगी। अगर जल्द से जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हम अमरण अनशन तक इस पे जाएंगे। सर, आप लोगों ने इतनी बार धरने दे दिए हैं तो सरकार आपकी सुन नहीं रही है, तो आगे आने वाले टाइम में किस तरह से रहेगा? आगे देखिए, हम गांधीवादी विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं और इसीलिए आज यहाँ पे 30 जनवरी को हम गांधी जी की पुण्यतिथि पे यहाँ पे बैठे हैं और शांतिप्रिय धरने में विश्वास रखते हैं और शांतिप्रिय धरना इसके बाद भी और तेज़ होगा और ज़्यादा लोगों के साथ और तेज़ ये धरने हम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम अमरण अनशन तक भी ये धरना ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।